अब पीछे देख पीछे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम चलते हैं घूमने। चलिए आप लोग भी हमारे साथ। कहाँ जा रहे हैं ये आपको आगे चलकर पता चलेगा। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो आइए चलते हैं आज एक अच्छे से धाम, बहुत अच्छे धाम। चलिए रास्ते में ले लेंगे, हैं? रास्ते में बॉर्डर के वहाँ पेट्रोल भी पहले ही देख लेंगे। हवा तो फुल कल वाली चाहिए। कागज में होता है लिखा हुआ, लिखा रहता है ना उसमें फास्ट टैग के लिए कागज में। नहीं 64 65 64। पेट्रोल भरवा दे रहे देखिए सूर्य देवता भी निकल चुके हैं और दर्शन कर लीजिए आप भी। जय सूर्य देव की।
22 किलोमीटर है। तो हम हर साल जाते हैं, हम इस साल अभी नहीं जा पाए थे क्योंकि हम वृंदावन जब गए थे तो बांके बिहारी जी के दर्शन करके और प्रेम मंदिर में और वहाँ पर मथुरा वृंदावन मथुरा में जन्म स्थल पर होकर आए थे जब दिवाली के बाद गए थे। इसी साल हम परिक्रमा लगाने नहीं जा पाए थे तो इसलिए ये साल खत्म होने वाला था। हमने सोचा कि चलो अब परिक्रमा लगाने चलते हैं। हम जा रहे हैं गोवर्धन महाराज की परिक्रमा लगाने और उसके बाद आगे भी हमें कहीं और भी जाना है तो आप लोग आगे देखते रहिए कहाँ कहाँ हम लोग जाने वाले हैं। निकल चुके हैं हम गोवर्धन की परिक्रमा लगाने के लिए तो आप लोग भी मेरे साथ परिक्रमा लगाइए और कृष्ण भगवान जी को पैसे ना हो और उसे भूख लगी हो तो वह यहाँ पर फ्री में खाना खा सकता है। ऐसे लोग भी हैं, कुछ लोग हैं जिनके अंदर है इंसानियत, क्योंकि कई बार होता है कि पैसे नहीं होते हैं और भूख लगी होती है। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी यहाँ की और यहाँ के पकौड़े वगैरह भी बहुत अच्छे थे। बच्चों ने कॉफ़ी और दूध लिया और हम लोगों ने चाय ली। यहाँ से हम लोग चाय कॉफ़ी वगैरह पी के फिर चलेंगे आगे की तरफ। से चलता हूँ फिर होटल वहीं लगा देंगे साइड में पार्किंग चली जाएगी यहाँ नागरों को भी कोई दिक्कत है इतनी। तो हम पहुँच चुके हैं गोवर्धन पर्वत के यहाँ पर तो यहाँ पर हम लगाएंगे गाड़ी को पार्किंग में उसके बाद हम जाएंगे पैदल फिर मंदिर जो है ना गोवर्धन पर्वत जी का गोवर्धन महाराज का जो मंदिर है वहाँ पर हम दूध और प्रसाद चढ़ाएंगे उसके बाद हम लोग परिक्रमा स्टार्ट कर देंगे। तो वहीं से ना दूध वगैरह चढ़ा के ही परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है जो गोवर्धन पर्वत की है। तो यहाँ पर हमने लगा दी है गाड़ी पार्किंग में तो चलते हैं परिक्रमा हम लगाने और उससे पहले चढ़ाते हैं गोवर्धन महाराज जी को दूध और प्रसाद। ये दिया पार्किंग से बंद कर दी ना दिया जय। तो ये है गोवर्धन महाराज जी का मंदिर, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बाहर से ये ऐसे दिखता है कुछ, यहाँ हमने ले लिया प्रसाद, आप लोग भी अंदर चलिए मंदिर के और दर्शन कर लीजिए। Yeah.
अब पीछे देख पीछे। तो यहाँ मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन करवा रही हूँ, लोग आप लोग भी दर्शन कर लीजिए शिवलिंग जी के। और यहाँ पे ये दो शिवलिंग एक जैसे बने हुए हैं और यहाँ पे नंदी जी भी बने हुए हैं। बहुत सुंदर मंदिर लग रहा है, बहुत अच्छा। प्रारंभ कर दी है, पहले धूप खा ली है और ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट हो जाती है। परिक्रमा में शामिल हो जाइए। और यहाँ रास्ते में ना काफ़ी लोग मिलते हैं, अपाहिज भी होते हैं, जो बहुत गरीब होते हैं उनको पैसे वगैरह भी चढ़ा दे देते हैं, खुले सिक्के लेके आए हैं। तो यहाँ बेटे के पास ही थे खुले सिक्के, तो वही वीडियो भी वही बना रहा है, पूरी वीडियो उसी ने ही बनाई है क्योंकि उसी के हाथ में ही फ़ोन था, तो उसने फ़ोन से ही सारी वीडियो बनाई है। तो आप लोग देख लीजिए। और ये है जंगल का रास्ता, दो रास्ते हैं ना इसके, एक तो पक्के रोड का है और ये बेटा ही है जो चल रहा है, जिसके हाथ में कैमरा है फ़ोन का। तो यहाँ हम लोग भी कच्चे रास्ते पे आ गए, पहले दोनों बच्चे आ गए हैं क्योंकि इनको पता है रास्ता, क्योंकि हम लोग 12-13 साल हो गए हैं हमें यहाँ पर आते हुए, कभी कभी साल में दो बार भी आ जाते हैं, अगर अब बच्चे जब बड़े हो गए तब से साल में एक बार ही आना हो पाता है, क्योंकि बच्चों को टाइम नहीं मिल पाता ना स्कूल कॉलेज से, इसलिए। ये देखो जंगल का रास्ता है और पहले बहुत लोग आते हैं यहाँ पर, हम अकेले नहीं हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा लगता है। मिट्टी का भी रास्ता आता है, पत्थरों का भी रास्ता आता है, फर्श का रास्ता भी आता है, सब तरह का रास्ता हम लोग क्रॉस करते हैं परिक्रमा में और बहुत अच्छे से परिक्रमा को समापन देते हैं। हाँ, पैरों में थोड़ा बहुत हो जाता है पहली बार में, जब कोई करता है तो आदत नहीं होती इतना ज़्यादा चलने की, तो हो जाता है थोड़ा बहुत पैरों में दर्द हो ही जाता है। और हम ये वाली जो परिक्रमा है, ये जो परिक्रमा है ये वाली गोवर्धन महाराज की, ये 12 किलोमीटर की है और उसके बाद राधा रानी की होती है, वो छोटी परिक्रमा होती है, वो 9 किलोमीटर की है। तो देखते हैं आगे कि हम लोग उस वाली राधा रानी की भी पैदल लगाएंगे या रिक्शे से लगाएंगे, क्योंकि हमें आगे भी जाना है, तो इसलिए देखते हैं कि वो वाली रिक्शे से लगाएंगे या पैदल ही लगा पाएंगे। पहले ये वाली गोवर्धन महाराज की पहले पैदल ही लगा रहे हैं, तो ये वाली तो पूरी कर लेते हैं एक बार पैदल। और नंगे पैर ही लगाते हैं हम लोग हमेशा से ही, शुरू से हमने नंगे पैर ही लगाई है, जब से परिक्रमा लगाना स्टार्ट किया है 10-12 साल से। अरे मम्मी भाग रहा है।
घंटा हो गया हमें मुकदमा स्टार्ट किए हुए, अब हम बैठे हैं करने का जूस पीने के लिए। और यहाँ हमारी 3 नहीं 4 किलोमीटर की परिक्रमा संपूर्ण हो चुकी थी, तो 1 घंटे में हमने 4 किलोमीटर की परिक्रमा पूर्ण कर ली थी। देखो यहाँ पर कितने सारे मंकी है ना जो रास्ते में बैठे हुए हैं, पर इनको अगर कुछ ना कहो ना तो ये कुछ भी नहीं कहते हैं। धीरे धीरे हम लोग आराम से निकल जाते हैं यहाँ से, पर मंकी बहुत ज़्यादा हैं। देखो चारों तरफ मंकी मंकी, ऐसा लगता है पूरी हनुमान जी की सेना आ गई है। ये देखो कितने सारे मंकी हैं चारों तरफ। चम्मच से खानी क्या ये? ले पकड़। अच्छा जी तेरी मूली ले आऊंगा इधर राजा। इसको आना है तो आ जा। यहाँ एक मंदिर है जटीपुरा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जटीपुरा किसी गांव का नाम है। यहाँ एक मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर।
यहाँ पर भी दूध वगैरह प्रसाद चढ़ाया जाता है। बहुत ज़्यादा ये चित्रकूटा मंदिर के नाम से जाना जाता है। तिरंगा लगाने के बाद लगाते हैं जब ये बीच में ही पड़ता है। फिर हमें फोटो वगैरह कराए थे, लेकिन उनकी भी बहुत है। यहाँ पर ना एक बार बैठना जरूरी होता है, हमें बैठ गई थी। और उसके बाद फिर हम चल दिए मंदिर से आगे की तरफ दर्शन करके। और यहाँ पर कान्हा जी की बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्रेस भी मिलती हैं, सारा सामान मिलता है, बांसुरी वगैरह। तो मैंने भी ली थी कान्हा जी की दो तीन ड्रेस, मैंने जुलम ड्रेस ली। और यहाँ पर एक मंदिर है छोटा, पर भी परिक्रमा लगाते हैं। यहाँ पर भी हमने सारे यहाँ पर भी लगाई हैं। मंदिर छोटे छोटे बहुत पड़ते हैं, जिसमें परिक्रमा जब हम लगाते हैं, बहुत सारे मंदिर आते हैं रास्ते में, तो सब में हम हाथ जोड़ के दर्शन करके ही निकलते हैं। तो ये देखो, ये तीनों भी जा रहे हैं पैदल। और क्या, अब क्या, फ़ोन मेरे हाथ में है तो मैंने इनकी वीडियो थोड़ी सी ले ली है। अब हम आ गए रोड वाले रास्ते पे। ये रोड वाला रास्ता है बिल्कुल, यहाँ पे पूरा ट्रैफिक भी होता है पूरे। हम ये रास्ते वाले रास्ते से परिक्रमा लगा रहे हैं। यहाँ पे रास्ता मिट्टी का भी है और रोड का भी है, दोनों तरह के रास्ते हैं। यहाँ पर मेरे पैरों में थोड़ा थोड़ा हल्का सा दर्द हो गया था, पर चलने हो जाएगी परिक्रमा संपूर्ण। यहाँ पर मंदिर है एक और, तो चलिए परिक्रमा करते हैं। एक किलोमीटर की गोवर्धन की परिक्रमा रह गई है, एक किलोमीटर हमारी परिक्रमा भी रहती है। ये भी हो जाएगी जल्दी से, उसके बाद हम करेंगे मंदिर में राधा रानी की करेंगे। उसके बाद हमें राधा रानी की फिर हमें ई रिक्शा से ही करके कि हम लोग आगरा के ताजमहल में देखेंगे, तो उसके लिए फटाफट निकलते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी चलते हैं। जब थोड़ी छोटी परिक्रमा प्रारंभ हो गई यहाँ से, इसको छोटी परिक्रमा बोला जाता है राजा रानी की। और ये परिक्रमा हमारी संपूर्ण हो जाएगी, उसके बाद हम मंदिर में दर्शन करेंगे, दूध वगैरह चढ़ाएंगे मानसी गंगा पर। मानसी गंगा पर जाकर हमारी जो परिक्रमा है वो पूर्ण हो जाएगी।
राधा रानी कुंड से बाहर बाहर के लिए वो पैदल के लिए होगा, वहाँ जाम लगा देने के लिए। परिक्रमा हो चुकी थी तो यहाँ मैं अपने गाड़ी का इंतजार कर रहे थे जो हमने पार्किंग में लगाई थी। तो गाड़ी बाहर आते ही हम लोग चलेंगे आगरा की तरफ, आगरा का ताजमहल देखने, जो मैं दिखाऊंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार आप करते रहिए।